हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो एक छोटी सी बात आपको बतानी थी, ये कि बहुत बहुत आप लोगों को ऑल द बेस्ट आपके गेट के एग्जाम के लिए। और जो ये हमारा 28 मार्क्स है मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड को मिला करके, तो मैं आपको बता दूं कि यार बहुत मेहनत करी है हमने ये पूरे साल भर आप लोगों ने और हमने मिल करके एक साथ, ठीक है। तो भाई स्टार्टिंग से ही हमको पता है कि इस वाले मार्क्स, बिकॉज हम लोग इंजीनियर हैं, जब इंजीनियरिंग की बात आती है तो यार जब हमको बोला जाता था क्लास 11th में कि भाई कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हो, तो हम बोलते थे कि हम मैथ्स लेके पढ़ रहे हैं। तो यार ये मैथ्स को और एप्टीट्यूड को जाने नहीं देना, क्योंकि एप्टीट्यूड का जनक जो है, एप्टीट्यूड का जो फादर है वो मैथमेटिक्स है। इन दो सेक्शन को जाने नहीं देना है, 28 मार्क्स हमको एनी हाउ मिलना ही चाहिए, पहला पॉइंट। सेकंड, ये टेक्निकल के अंदर मैथ्स काउंट होता है, बट अगर आपको लग रहा है कि आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, ठीक है ना भाई, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, इंग्लिश के सेक्शन में कई बार कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे आप कितना भी वर्कआउट करके जाएं, नए वर्ड्स आने से आपको दिक्कत हो सकती है, बट अगर आपका एप्टीट्यूड वाला सेक्शन अच्छा है, स्टार्टिंग में उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, या विद इन 2 आवर्स उसको जाकर के अटेम्प्ट कर सकते हो, देख सकते हो, एक बार रिव्यू करके छोड़ सकते हो। बट मैथमेटिक्स जो टेक्निकल का पार्ट है यार, क्या ही आने वाला है, मैट्रिक्स आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगा, कैलकुलस आएगा, बिल्कुल आराम से सॉल्व करना, डिफरेंशियल इक्वेशन में एलिमिनेशन जो मैंने सिखाया हुआ है वो, तो अपना थॉट प्रोसेस सही रखेंगे, माइंड सेटअप बढ़िया रखिएगा। मैथमेटिक्स के 13 और एप्टीट्यूड के 15 हमको लेकर के आने ही हैं भाई, तो ये 28 नंबर का सवाल है, छोड़ नहीं देंगे, लग के करेंगे सॉल्व, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगा, एकाधी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जो अंदर से फील होगा भाई ये किसी से नहीं बनने वाला है, तो ऐसे क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ के आगे बढ़ना है, अपने टेक्निकल चीज़ों में, अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स में भी आपको आगे बढ़ना है। अगर कहीं पर थोड़ा सा भी ऐसा फील हुआ आपके मन में, 1% का भी डाउट आ रहा है किसी क्वेश्चन को लेकर के, तो जबरदस्ती अटेम्प्ट नहीं कर देना। अगर MSQ में डाउट आ रहा है कि सर ये क्वेश्चन सही हो सकता है, ये जबरदस्ती अटेम्प्ट नहीं कर देना है, ध्यान रखिएगा, है ना। लास्ट एक पार्ट आता है कि सर हमारी एक्यूरेसी वाला पार्ट है, तो अभी जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे होगे उससे आप जो मिस्टेक से सीख रहे होगे, तो अपने टेस्ट सीरीज से प्लीज एक्यूरेसी की तरफ पे फोकस करिएगा, समय बहुत ही कम है। तो याद रखिएगा भाई, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि जब वक्त कम होता है ना, जब वक्त कम होता है तो कमांडो सख्त होता है। तो याद रखिएगा एक छोटी सी चीज, वो ये माइंड अपना काम डाउन करके पेपर देना है, उस 3 घंटे में फुल ऑन फोकस करना है, आराम से एक साउंड स्लीप लेकर के जाइएगा, आराम से सो करके उठिएगा, रिलैक्स मोड से पेपर दीजिएगा, और मेरा पूरा का पूरा विश्वास है, मेरा पूरा का पूरा आशीर्वाद है आप लोग के साथ में, एक छोटे भाई होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते, और मेरे प्यारे प्रिय विद्यार्थी होने के नाते, मैं आपको बता दूं कि अपने माइंड सेटअप से बिल्कुल हटा दीजिएगा उस टाइम पर, पेपर देते टाइम पर, कि क्या बाद में होगा, क्या उसका रिजल्ट होगा, क्या उसका आउटकम होगा, पूरी बातों को छोड़ के ओनली उस 3 घंटे पूरा फोकस करके पेपर बनाने में पूरा का पूरा 3 घंटे देना है। सेकेंड, ये थोड़ा सा आप जो है उस टाइम पे इनोवेटिव रहिएगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा होगा उस टाइम पे ही क्लिक करेगा कि यार ये तो ऐसे बन जाएगा, तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के उसको ऐसा सॉल्व कर दीजिएगा। कई बार चीजें क्लिक कर जाती है, बाद में आपको फील होगा यार मैंने कितना बेहतरीन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया उस टाइम पे, तो ठीक है। इसी शुभकामना के साथ मैं मैथ्स और एप्टी के लिए आप लोगों को फुल ऑन आश्वस्त करता हूँ, जितना हमने पढ़ा है भाई उतना ही करना है, और अब नया मत पढ़ो, नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सोशल मीडिया से जाइए दूर, अपने ऊपर फोकस रखिएगा, और एग्जाम के एक दिन पहले साउंड स्लिप लेना है, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो तुमने किया है वो कर ली मेहनत, अब भाई पेपर लिख के आना है, बहुत अच्छे से लिख के आना है। और फिर से रिपीट करता हूँ, वो एप्टी वाला सेक्शन, अगर आपके अंदर गट फीलिंग है कि मेरा एप्टी स्ट्रांग है, क्योंकि एप्टी में कुछ खास खतरनाक सवाल नहीं देखे जाते, तो उसको 2 घंटे के पहले पहले रिव्यू कर लेना, या स्टार्टिंग में अटेंड करना हो स्टार्टिंग में अटेंड कर लो, और कुछ भी जो है, कुछ भी ऐसा जहां पर डाउटफुल आता है या एम्बिग्यूटी आती है, आपके दिमाग में संशय होता है, वहां पे रिव्यू करके आगे बढ़ो। और क्वेश्चन ट्राई करना, ये ट्राई कर लेना कि यार एक 3 घंटे को ना कभी भी ऐसा मत हो कि उस 3 घंटे में आप कुछ और सोच में लगे हो, आप उस 3 घंटे पे एक मिशन पे हो, उस मिशन के जैसे काम करना, आपके दिमाग में सेकेंड थॉट नहीं आना चाहिए कि ये पेपर टफ है या सिंपल है, वो बाद में देखेंगे यार, वो अपन बाद में देखेंगे, वो एग्जाम से निकलने के बाद डिस्कशन होगा, बट उस 3 घंटे में आपको अपना 100% देना है। इसी शुभकामना के साथ, इसी थॉट के साथ में मैं गुरुपाल अलविदा लेता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एग्जामिनेशन भाई, थैंक यू सो मच, जय हिंद।